वही कोशिश करिए कि हम लोग कंफ्यूज रखें कि हीरो कौन है विलन कौन है। आई थिंक ये नया दौर है कि हीरो भी विलन बन सकते हैं, उनमें भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। और वही कोशिश करिए, मोहित सूरी की जो फर्स्ट लाइन थी उन्होंने मुझे बोली कि ये कहानी किसके बारे में, वो कहते हैं ये कहानी एक विलन की लव स्टोरी है, एक बुरे आदमी की लव स्टोरी है। तो आई थिंक वही एक चीज में काफी इंटरेस्टिंग और नया है इस पिक्चर के बारे में। आपकी बात करें तो फिल्म में आपका कितना किरदार है, आशिकी से कितना डिफरेंट? तो इस फिल्म में तो एक्चुअली कोई हीरोज है ही नहीं, ये फिल्म है विलन्स के बारे में और मैं हूँ इस फिल्म में जो दो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स के बीच में हूँ। और आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है, फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहे। एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसके जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फनी समझती है और बहुत बातें करती है। और फिर इन्होंने गाना भी गाया, कन्विंस करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गाना गा रहा है। आशिकी से कोशिश कर रही है गाना गाने की, मौका मिला तो उस पर ऑफकोर्स आशी टू जितना मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो लेवल सिंगिंग का था आशिकी टू में वो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाती। एंड तो उन्होंने एक विलन में मुझे मौका दिया और बहुत ही खूबसूरत गाना दिया है उन्होंने मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं चाहती आई हूँ कि आई कुड सिंग फॉर माई फिल्म एंड आई एम डूइंग दैट नाउ। हम चाहते वो गाना, ओके तो गलिया का अनप्लग्ड वर्जन। तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया, मुझको भावे गलिया तेरी गलिया, तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया, यूं ही तड़पावे गलिया तेरी गलिया। सिंगर्स की नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म के लिए गाना गा रही हूँ, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Just two films old actually, third is yet to come out. And while I was doing my second film, तब मैं मिला बालाजी मोहित सूरी एंड उन्होंने बताया कि ये पिक्चर में कॉन्टेंट ये है, ये किरदार है जो नेगेटिव है। तो आई थिंक कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि आज करें या कल करें, कोई गारंटी है गारंटी नहीं है कि अगर मैं और कोई पिक्चर करूं या किसी और जॉनर की पिक्चर करूं वो भी चलेगी। आई थिंक हर पिक्चर में एक रिस्क होता है। मुझे पहली एक तो कहानी पसंद आई, दूसरा आई थिंक जो मोहित सूरी डायरेक्टर थे उनके इस कहानी के वो एकदम करेक्ट है ऐसे जॉनर के लिए, क्योंकि अगर कोई ये शायद नए डायरेक्टर के साथ आती है स्क्रिप्ट तो मैं शायद नहीं एक्सेप्ट करता या जाता इसके लिए इतना एक्साइटेड होकर। तो आई थिंक मोहित वॉज रियली करेक्ट फॉर इट एंड बी वॉज सो एक्साइटिंग कि इतना कुछ नया करने के लिए आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब आप कुछ करें, तो एक सरप्राइज फैक्टर, एक आउट ऑफ द बॉक्स फैक्टर आता है और वही मुझे शायद पसंद है। अभी होपफुली जब 27th लोग पिक्चर देखेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होगा जो ट्रेलर देखे हुआ, और इन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी इस रोल में और जो लाइफ की इसलिए वो अभी इतने काम और कंपोज लग रहे हैं, तो सारे जो एंगर इश्यूज थे इन्होंने निकाल दिए इस रोल में। एक्चुअली ये बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे, मैं नर्वस हो रही थी इनके लिए क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेन्ड हूँ और मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और इन्हें तो एक ही दिन में सीखना था, तो मैं इनके लिए नर्वस हो गई थी। पर शूट के पहले दिन ही इन्होंने छलांग मारी पानी के अंदर और ये इतने कम्फर्टेबल हो गए थे और मैं तो काफी शॉक थी और पूरा मजा ले रहे थे डाइविंग का अंडर वाटर, और हम दो दिन एक्चुअली अंडर वाटर हमने शूटिंग की तो बहुत मजा आया और हमने एक लैंग्वेज भी अपना बना लिया था अंडर वाटर कम्युनिकेट करने का।
इस फिल्म के लिए मैंने बाइकिंग एक बुलेट चलानी सीखी, तो ऑब्वियसली मैं 5.5 क्यू, और एक बुलेट जो है एक बहुत ही बड़ी बाइक है, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया. और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है आयशा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर कि वो बुलेट चलाती है. वो खुद खुद हवा की तरह है, तो जब वो बुलेट पे भी है तो शी फील्स लाइक यू नो फ्री राइडिंग द बाइक. इनकी बाइक पे हमने कोशिश करी क्योंकि टांग नहीं पहुंच रहे थे, हमने सोचा कि वो साइड में जो पहिए लगाते हैं साइकिल वैसे लगाने की कोशिश करी, बट वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो हमने इनको वैसी चलाने दी. और जो सबसे टफ आई थिंक एक्शन सीक्वेंस था या इनके साथ पीछे बैठना बाइक में, क्योंकि जब ये ब्रेक लगाती मुझे नहीं पता कब लगाती, और मेरे पांव पहुंचते थे इनके नहीं, तो कभी भी जब भी हमारे मेरे साथ ही तो यू नेवर फेल डाउन व्हेन यू नीड, है ना. आई नेवर फेल डाउन एग्जैक्टली. कभी जब मैं अकेला जा रही थी मैं गिर गई. सपोर्ट किया आपने सर, आपकी टांगों ने. शुक्रिया, मेरी लंबी टांग है. श्रद्धा और श्रद्धा आप दोनों ने पिछली फिल्मों में 100 करोड़ क्लब नहीं एक्चुअली मतलब आप बात करें कि मैं आंखें बंद करके गाती हूँ वही आप बोले, क्योंकि ना वो नोट मुझे पहुंचने में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करके गाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा गा रही हूँ मैं आई कैन फील कि यू नो और ज़्यादा मैं इन्जॉय भी कर रही हूँ और आवाज़ खुली जा रही है, तो मज़ा आ रहा है. जिस तरह सिद्धार्थ एक अलग रूम में नजर आ रहा है, कभी नेगेटिव शेड आप कभी करना चाहेंगे? आप दोनों के नेगेटिव शेड बताएं. हम दोनों के नेगेटिव शेड्स, वेल आई थिंक कि सब में नेगेटिव शेड्स होते हैं और सब में एक विलेन होता है, और वो हमारी कंट्रोल में रहता है कि हम उसको कितना बढ़ावा दें और कितना नहीं. तो या और दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म. आई थिंक नेगेटिव हीरो विलेन रितेश भी पिक्चर में है, तो हाँ ऑफ कोर्स रितेश भी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है. उन्होंने बहुत पिक्चर करी है पहले, बट अलग किस्म के जॉनर है, तो उनके लिए भी एक नया किरदार है. एंड वो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. बेशक हम दोनों जब कहते हैं नेगेटिव, तो हम लोग बाय एक्शन नेगेटिव चीजें नेगेटिव बाय एक्शन नेगेटिव कैरेक्टर हैं. जो हम चीजें करते हैं इस पिक्चर में वो नेगेटिव है. मे बी मैं ज्यादा लाउड या अग्रेसिव या फिजिकल हूँ, वो स्लाइटली मोर अनअज्यूमिंग या आपको शायद देखने से ना लगे, बट वही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये कहानी में मोहित सूरी ने दो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो अलग अलग किस्म के हैं और कैसे उनकी कहानियां एक साथ आती हैं, वही है एक मिनट. मॉनसून में आप स्लाइटली मोर थोड़ा एक रोमांटिक सा मौसम लोग कहते हैं, बारिश होता है या जो क्लाउड होते हैं या कभी कभी हर चीज हरियाली बढ़ जाती है, लुक्स स्लाइटली मोर रोमांटिक. सो अभी तो हम लोग गलियां ही सुन रहे हैं, गलियां सुन रहे हैं, और बंजारा भी उसमें एक्चुअली एक रेन का मोमेंट भी है, तो वो भी बहुत खूबसूरत रोमांटिक गाना है. शरारती गाने की बात करें तो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है और कोई एक पर्टिकुलर जो बरसात का बता.